नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमगजम छायामार्दं संभुतम तं नमामि सर्वशरं सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वाधि साधिके शरणतम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं भगवती महेश्वरी प्रसन्न पद्म अन्न पूर्ण स्वाहा बोल श्री गणपति गजानन महाराज की जय। गणपति अप्पा बोलो सब सबकी कुल देवी मात की जय। सबसे पहले तो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर से मैं इंट्रोड्यूस दिस। पढ़ना लिखना सिखाते साथ में लड़ना सिखाना जरूरी। इस पे फिल्म बन रही है हमारी और बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। हमें इस फिल्म में श्री जिग्नेश हिरानी जी, ब्राइट वाले हमारे खास दोस्त योगेश जी, हमारे एक्टर धवन मेवाड़ा जी और मेरे गॉडफादर श्री मनीष शाह जी बैठे हैं और दूसरे महेंद्र तुरकिया जी, मेरे एक्टर जीत उपेंद्र जी भी आज बाजू में, राजेश राठौड़ जी है और शरद देसाई जी है जो आज इस, और दिलीप काचा साहब है जो इन्होंने, और बारुल भी है जो हमारी पैशन वो है। तो ये सभी के सपोर्ट से हम लोग आज एक अच्छी फिल्म लेकर आपके साथ, आज उसका सॉन्ग रिकॉर्डिंग हमने शुरू किया मनीष भाई और योगेश भाई के सुभस्तों से, महेंद्र भाई के सुभस्तों से। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है और हमेशा से कोई भी गैदरिंग में आप दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे सर, क्या स्पेशल था इस फिल्म के बारे में, अगर हमारी मीडिया को थोड़ा, अगर आप। सबसे पहला तो मनोज भाई, मनीष भाई और सबका मैं शुक्रिया करता हूं कि आज वो लोग मेरे साथ में है और इतनी बड़ी फिल्म का मैं एक हिस्सा हूं। और 99% मूवी जितनी भी होती है उसका बिगिनिंग में जब मैं जिसके साथ रहा हूँ वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है और भगवान करे कि ये भी फिल्म साबित हुए। और कारगिल से कन्याकुमारी एक लेडीज सब्जेक्ट पे जब सर ने मेरे को बोला तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने बोला मैं 100% आपके इस सोशल एनजीओ और अच्छे सोर्स कोर्स के लिए मैं 100% आपके साथ हूँ और ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन टू मनोज भाई एंड एवरीबॉडी, थैंक यू। जो भी सर नीड चाहेंगे योगेश भाई के साथ में काफी बरसों से लगा हूँ और योगेश भाई ये फिल्म में मैं उनके एक भी होल्डिंग नहीं लूंगा जानबूझ के, नहीं तो लोग बोलते होल्डिंग के लिए। योगेश भाई मेरे बहुत ही इंस्पिरेशन, मेरी पहली फिल्म में जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब सामने से उन्होंने बम्बई में 20 होल्डिंग दिए थे, तो इस बार लूंगा तो पेड़ लूंगा इनसे। लेकिन मैं पैसा नहीं देगा, कारगिल में दे देगा। जब कारगिल टू कन्याकुमारी ये जब हम सुनते हैं पहली चीज क्या जहन में आती है सर आपके? पहले तो कारगिल ही आती है कि जो देश के लिए सच्चाई और अच्छाई थी। और कन्याकुमारी तो ऐसे भी मेरे लिए डायलॉग बहुत अच्छा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, एक हम लोग बचपन में पढ़ते तभी भी एक किताब में डायलॉग आता था तो सर ने नया निकाला कारगिल से कन्याकुमारी। तो देशभक्ति प्लस जो सब्जेक्ट है, आई थिंक यहाँ जहाँ बैठे हैं सब वो सब्जेक्ट के लिए आ जाए। सर आपसे जानना चाहेंगे सर कैसे जुड़े आप इस प्रोजेक्ट के साथ और अगर फिल्म के बारे में थोड़ा बताएं आप। मनोज सर के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की है और जब उन्होंने ये सब्जेक्ट सुनाया तो मुझे बहुत प्यारा लगा। डिफरेंट सब्जेक्ट है, वुमन एम्पावर पे ये सब्जेक्ट है और इतना अच्छा रोल भी है। साथ में सभी आर्टिस्ट, अजीत भाई है, बाकी सब आर्टिस्ट है और सब्जेक्ट इसका बहुत अच्छा है, तो इस हिसाब से मैं फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर मनीष जी, आप जी कि क्या स्पेशल लगा इस बारे में जो आप मतलब इस पोस्टर लॉन्च को ग्रेस करने आए यहाँ पर, आज मुहूर्त भी है? देखिए कारगिल से कन्याकुमारी ये नाम पढ़ते ही ऐसा लगता है कि ये कुछ देशभक्ति या वॉर को लग के फिल्म है या किसी की शहीदी या किसी के बलिदान के बारे में ये बात होगी। जब मेरे को कल परसों को पता चला कि ये वुमन एम्पावरमेंट के बारे में फिल्माई गई फिल्म है, आई वॉज सो हैप्पी। मैं भी आज दो डॉटर का बाप हूँ, पढ़ाओ बचाओ और साथ में अगर लड़ना सिखाओ तो इसके जैसा उचित थॉट आज तक मैंने देखा नहीं। इसके लिए मैं मनोज जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मेरे तन से मन से और धन से जब से मैं उनको जानता हूं मैं साथ रहा हूं और ये फिल्म में भी रहूंगा। थैंक यू। सर आज रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या खास होने वाला है यहां पे, कुछ कुछ बताएं सर कोई अगर। बस रिकॉर्डिंग है आज, अगर म्यूजिकल मूमेंट का ओपनिंग है तो ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में इवेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी म्यूज़िक फिल्म को हिट कराने का एक जमा पासा होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, हालांकि मैंने ये म्यूज़िक या सॉन्ग वगैरह आई हैव नॉट गोन थ्रू दैट, लेकिन मेरे को यकीन है कि मनोज भाई ने आज 18 या 19 फिल्में जो बनाई है और उसमें जो बेहद लाजवाब म्यूज़िक और डायरेक्शन किया हुआ है,
ऐसा ही कुछ इसमें होगा। तो ये म्यूजिकल इवेंट होने से ये अपने आप में स्पेशल मामला है, ऐसा मेरा मानना है। और बस हाँ, मनोज जी जरा ये फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह से म्यूजिक होगा जो आज म्यूजिक यहाँ पे गाने की रिकॉर्डिंग की जा रही है? सर मैं जानता हूँ कि आपके माध्यम को काफी दर्शक लाखों लोग देखते हैं, तो आज मैं कुछ भी कहूँगा तो कल मुझे जवाबदेही है, तो ये सोच समझ कर ही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फिल्म में एक गाना पूरा देशभक्ति पे डिफरेंट टोन का रखा है, जिसमें एक छोटी सी बात हमने वो ली है कि बुरी नज़र से हिंदुस्तान को बुरी नज़र से देखने वालों सुधर जाओ वरना आग फोड़ दोगे, भारत के टुकड़े करने वालों सुधर जाओ वरना अंदर आके घर में आके तोड़ देंगे, ऐसे कुछ थीम का भारत के ऊपर गाना है, एक यूथ के ऊपर है क्योंकि फिल्म यूथ बेस्ड ज्यादा है। ये जो सोशल मीडिया से कुछ अनजान लोग दोस्त बन जाते हैं, उसके बाद जो एक ट्रैप शुरू होता है उसमें एक लड़की किस तरह फंसती है, और उसको फिर हमारे कारगिल के वॉर का जो जीत उपेंद्र जी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, उनसे वहां से कहानी ट्विस्ट होती है, जो अभी आप मेरे ख्याल से एंड ऑफ दिसंबर में फिल्म आप लोग को मैं फिर से नोता दूंगा प्रीमियर के लिए। और एक गाना गजल स्टाइल का रखा है और आज आप लोग को गाना सुनाया भी जाएगा जो जितना रिकॉर्ड हो गया। सर कौन कौन से सिंगर्स हैं अगर कुछ बताएं उनके बारे में? इंडियन आइडल से साक्षी होलकर है, फिर एक अच्छी बच्ची है अपनी जेजे करके है, और बाकी म्यूजिक डायरेक्टर ने लिया है, अभी हो रहा है तो आपको बताएंगे, लेकिन आज हमने म्यूजिक रिकॉर्डिंग आज सॉन्ग्स का शुरू कर दिया है। योगेश भाई भी है यहाँ पे, मीडिया भी है यहाँ पे, कब तक फिल्म हमें देखने मिलेगी, क्या किस तरह से आप सोच रहे हैं कि आगे? नहीं नहीं सर, एक मैंने जो फिल्म का मेजर सीन का पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया, शूट इज ऑलरेडी एडिटेड आल्सो, और मंडे से हम लोग डबिंग में जा रहे हैं। हमने सॉन्ग के ऊपर बहुत मेहनत की, करनी थी तीन अलग शेड था, तो सॉन्ग पिक्चराइजेशन और क्लाइमेक्स, फिर मनीष जी भी आउट ऑफ स्टेशन थे, योगेश भाई, और मैं चाहता हूँ ये लोग एक जो सोसाइटी के रियल हीरोज है, इनका जो सोसाइटी में काम है महेंद्र जी के वगैरह का, दिलीप भाई, तो उनको मैं एक छोटे से गेस्ट अपीयरेंस में, जहाँ हम एक मैसेज दे रहे हैं फिल्म के एंड में, उस मैसेज में मैं इनको भी हिस्सा बनाना चाहता था। दिवाली वैकेशन के कारण बड़े लोग बिजी थे, तो अभी उनकी डेट्स मिलेगी और नवंबर एंड में हम लोग वो क्लाइमेक्स का और तीन गाने का पिक्चर। अच्छा, इसी से याद है, हमने बाजार में देखा योगेश भाई को, थोड़ी उनकी झलक देखी। हाँ। या इस फिल्म में मतलब किस तरह, अगर कुछ आप छोटा मोटा कुछ बता दें? नहीं छोटा मोटा वो इतने बड़े हैं, लेकिन अभी एक अच्छा सा किरदार है कि योगेश भाई खुद एक एनजीओ से जुड़े जो चैरिटेबल वर्क कर, डे नाइट मैंने देखा है, कुछ लोगों को हर महीने बहुत सारा अनाज वगैरह भी बांटते, एक हॉस्पिटल बना रहे, तो ही इज ऑलवेज विद कोस, लाइक मनीष शाह, मिडनाइट कॉल करो कोच के लिए, जैसे अभी बीच में आपने देखा होगा कि तूफान आया था साउथ में, केरला में, तब जाके लोग आधी रात को बिना अखबार में कुछ दिए, जो भी उनको करना था काम वो चुपचाप करके आते हैं, तो इस बार मतलब अभी कुछ पर्दे पे करो। योगेश भाई आपसे एक आखिरी सवाल, बहुत सारी फिल्में बनती हैं इस तरह से हिंदी सिनेमा में, लेकिन बहुत ऐसी कम फिल्में होती है जो एक्चुअली स्क्रीन तक पहुंच पाती है, हम देखते हैं कि आपका एसोसिएशन और ऑफ कोर्स बहुत सारी फिल्मों के साथ होता है, इस फिल्म को सर क्या अगर एक कुछ सजेशन होगा, इफ यू ऑन अ वेरी गुड नोट एंड अ पॉजिटिव नोट व्हिच यू वुड लाइक टू गिव? जितने डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े हैं, पीवीआर, आईनॉक्स प्लस यूएफओ, सब मेरे पहचान वाले, तो मैं सर को सब जगह पे लेके जाएगा, प्लस ये मैसेज भी इतना अच्छा है कि डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर भी जल्दी मिल जाएंगे, प्लस मनोज भाई का बहुत एक्सपीरियंस है, और फिल्म भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छा है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जैसे ठग ऑफ हिंदुस्तान में स्टार अच्छे थे लेकिन नहीं था तो नहीं चले, लेकिन अगर कोई भी छोटी पिक्चर में अगर सब्जेक्ट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, उनके साथ प्यार जुड़ा हुआ लोगों का, इनकी मेहनत, इनका पसीना, जो इनका मेरे को लग रहा है जो स्टोरी का बेस, वही सबसे फिल्म हर जगह हर को टच करेगी, दिल को टच करेगी और सोई में चलेगी, और इनके बजट के हिसाब से इनका पिक्चर 100% निकलेगा भैया। बस मैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से अभी अभी हमारे जो मेंटर है महेंद्र भाई जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बात बताई मुझे, शहीदा गांगुली, देखिए इसके नाम में ही शहीदी है, शहीदा एक मोमेडन मुस्लिम लेडी कमांडो है जिन्होंने 82 जी हाँ 82 सिंगल हैंडेड मतलब टेररिस्ट को मार गिराया है, उनका हस्बैंड जो है गांगुली साहब वो भी दिल्ली में रहते हैं, वो भी NSC कमांडो है। तो मैं ये चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से मैं मनोज जी को अपील करता हूँ कि थोड़ा उनका इंटरव्यू या थोड़ी उनसे मतलब राय ली जाए, या उनको अगले जब भी आपका कोई प्रीमियर वगैरह होवे तो उसको खास बुलाया जाए, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मनोज जी को। थैंक यू थैंक यू ये तो बहुत अच्छा है कि आज आप सबके साथ मुलाकात हो गई,
एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म, क्योंकि ये फिल्म डील करता है नॉट जस्ट जो बॉर्डर में प्रॉब्लम्स है लेकिन देश के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम से बहुत अच्छी तरह डील कर रही है. एंड बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है. आई प्ले अ सोल्जर इन दिस फिल्म, जो कोर्ट मार्शल होता है लेकिन उसके अंदर का सोल्जर ख़त्म नहीं होता. तो इट इज़ अबाउट दैट एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि वुमेन को कैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कैसे बनाया जा सकता है. इट इज़ दैट. आपका किरदार क्या सर? एक आर्मी ऑफिसर का है जो आर्मी से बाहर निकल चुका है बट उसके अंदर का जो आर्मी ऑफिसर अभी भी जिंदा है, ऐसा है. थैंक यू. मेरा नाम है विदिशा एंड आई एम प्लेइंग मालती इन द फिल्म. एंड आई एम वेरी हैप्पी के द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट में यू नो आई एम वर्किंग, मैं इतने अच्छे टॉपिक पे काम कर रही हूँ एंड विथ सो गुड एक्टर्स, इतने सारे अच्छे को एक्टर्स हैं हमारे, जीत जी, धवन जी, श्रुति, मीनाक्षी जी एंड द डायरेक्टर मनोज जी और हमारे प्रोड्यूसर. सो रियली थैंकफुल टू देम. And the concept is very motivating for the girls, so ज़रूर देखेगा फिल्म, बहुत अच्छी. मेरा नाम श्रुति शाह है और फिल्म में मेरा किरदार राधिका का है. एंड इन सब लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है. एंड इसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका उसका रेप होता है तो लाइक उस पर पूरा है, तो उसकी वजह से कैसे मैं उसको मोटिवेट करती हूँ एंड कैसे वुमेन एम्पावरमेंट यू नो उसको ये करती मैं, बहुत बहुत सीखने मिलता है इसमें. कलाकारों का कैसा साथ रहा, कैसा आपने फील किया? मेरे लिए तो इट वाज अ पिकनिक एक्चुअली, क्योंकि मैं धवन जी के साथ मैंने 2-3 फिल्में गुजरात में कर चुका हूँ, मनोज जी के साथ 7-8 फिल्में गुजराती कर चुका हूँ, तो मेरे लिए एकदम एक फैमिली एटमोसफियर जैसे ही थे. और फिर ये सब बच्चे जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो आए घुल मिल गए एंड लाइक अ फैमिली, हम लोग ने बहुत मज़े किए एंड प्लस वी डिड गुड वर्क. जैसा कि एक सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इस फिल्म का म्यूजिक किस तरह का होने वाला है सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि फिल्म का थीम जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे है, कारगिल से कन्याकुमारी तक, क्या कहेंगे सर? लुक कैमरा सर. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि टाइटल इतना खूबसूरत है और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही कि हमारे दादा डी सुशांत दादा जो कि इस फिल्म का म्यूजिक कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन, बहुत खूबसूरत लिरिक्स जो मुझे लगता है कि इस फिल्म को एकदम उठा देगा. म्यूज़िक इस तरह का म्यूज़िक कंपोज किया है और जैसे वुमेन एम्पावर पे मूवी बन रही तो हमारी दोनों खूबसूरत और बहुत ही सुरीली सिंगर्स जे एंड साक्षी ये हमारे साथ हैं और मोहसिन भाई, राजू भाई. और डेफिनेटली मैं इतना कह सकता हूँ कि दादा ने इसका म्यूज़िक बहुत दिल से और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक तैयार किया है. कितने गाने हैं सर, किस तरह के गाने हैं? 300 गए, एक वर्ल्ड टाइप ऑफ गज़ल, कमर्शियल गज़ल है, एक भारत के ऊपर और दूसरा एक पार्टी सॉन्ग है जो आजकल चल रहा है, टाइप ऑफ डीजे. दादा म्यूजिक को लेके क्या ब्रीफ किया गया था डायरेक्टर की तरफ से और कैसे कनेक्ट करेगा फिल्म को म्यूजिक, कौन से मूड में होंगे गाने? बेसिकली जब मनोज जी से मेरा बात हुआ, डायरेक्टर जो है मनोज जी, उनसे बात हुआ, उन्होंने उनको चाहिए था कि लेटेस्ट म्यूज़िक भी हो और साथ में जो पुराने, हम लोग गज़ल भूल चुके हैं एक्चुअली, फिल्म में गज़ल होते ही नहीं है आज की डेट में, तो हम दोनों की एक कॉम्बिनेशन है उसमें, जब आएगा आप लोग जरूर इसका मज़ा ज़रूर लेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन है उसमें. क्योंकि गज़ल मुझे लगता है कि जब आपको कोई चीज़ अच्छी बतानी, कोई गहराई वाली चीज़ बतानी होती है किसी भी लिरिक्स में तो वो गज़ल फॉर्म में ही बताई जा सकती है. अगर उसमें गज़ल एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप बहुत ही अपना गहरी से गहरी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं और यही बात मुझे लगता है कि काफिया जी ने उन्होंने लिखा है, लिरिक्स उनका है, उनका नाम ही काफिया और मुझे पता है कि गज़ल में रदीफ और काफिया बहुत मायने रखता है. तो काफिया जी लिरिक्स के बारे में क्या कहेंगे, इतनी तारीफ कर दी? बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है जो लिया मनोज जी ने महिलाओं की भावनाओं पे, तो इसलिए मैं इससे जुड़ना बहुत मतलब अपनी खुशकिस्मती समझ रही हूँ मैं. और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने भरोसा किया मुझ पर इसके सॉन्ग लिखने के लिए और आप लोगों को पसंद आएंगे, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएंगे. थैंक यू. साक्षी जी,
आप उनका कहेंगे? ऑफकोर्स ये गज़ल स्टाइल प्लस इसमें सबसे बड़ी बात सर ने बहुत ही सुंदर बनाया है इसे और वेस्टर्न टच भी दिया है जो कि गज़ल में वेस्टर्न टच आना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये गाना है और बहुत ही इमोशनल और डीप सॉन्ग है मैं कहूँगी और जब भी रिलीज़ होगा मुझे पता है कि सभी लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे और आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए सभी को। ओके सो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए लाइक जैसा आपने बोला साक्षी जी ने बोला कि जो फीलिंग्स होते हैं या फिर कनेक्टिविटी होती है सो व्हेन इट कम्स टू इमोशन सो दूसरी चीज़ आती है अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है सो एक बिंदास बिहेवियर भी होता है राइट फीमेल का एंड दैट इज़ कॉल्ड एज लाइक दैट इज़ नोन एज कि हाँ हम एक फीमेल को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं सो इन दैट वे वी हैव टेकन अ सॉन्ग जो कि एक फीमेल को ऐसा बताएगा कि वो बिल्कुल बिंदास है सो आई हैव गॉट दैट टिपिकल मिक्सचर ऑफ मसाला मसाला सॉन्ग सो देयर इज अ बोथ द जॉनर्स गाने का हाँ गाने का नाम आप सभी को बताऊंगी दैट इज जिंदगी झंड है जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है दो कौड़ी का मकान है वो भी अब्बा के नाम है सो इट इज लाइक बहुत सारा एटीट्यूड है ओके जिंदगी यूं गुजारी है जिंदगी गुजारी है हमने तुझे जिंदगी गुजारी है हमने तुझे अंधेरों में कहीं सतु शकल देख ले पहले अब आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ ओए बंदर शकल देख ले अपने पहली जाके ओए बंदर कर दूंगी मैं तुझको मिम्मी मिटू के अंदर फिर भी घमंड है जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है दो कोड़ी का मकान है वो भी अब्बा के नाम है आके कोई दिखाए इसको करेगा ना बर्दाश्त ये है भारत